एक दिन जंगल में शिकारी आ जाते हैं और शिकारियों की गाड़ी को आते देख चिड़िया घबरा जाती है। जंगल में शिकारी आए हैं, अब पता नहीं कौन सी तहलका मचाएंगे। मुझे इस बात की खबर जल्द से जल्द जंगल के राजा शेर महाराज को देनी होगी। चिड़िया उड़ती हुई जंगल के राजा बूढ़े शेर के पास जाती है। राजा जी, हमारे जंगल में आज फिर से शिकारी आ गए हैं। मैं अभी अभी अपनी आँखों से देख के आई हूँ। क्या तुम सच कह रही हो चिड़िया? हाँ राजा जी, मैं सच कह रही हूँ। ये सुन के जंगल के सारे जानवर और पक्षी घबरा जाते हैं। भेड़िया, चिड़िया, तोता, बंदर, हाथी, लकड़बग्गा, बाघ। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। अगर रोज रोज ऐसे ही चलता रहा और शिकारी हमारे जंगल में आते रहे तो फिर एक दिन जंगल के सारे जानवर ही खत्म हो जाएंगे। सही कहा तुमने लकड़बग्घा भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम में से कोई भी नहीं बचेगा। राजा जी, अब इसका हल आपको ही निकालना होगा। जल्द से जल्द कुछ कीजिए। मेरी बूढ़ी उम्र हो गई है, मैं तो अब जंगल की जिम्मेदारी उठा नहीं पाऊंगा। इसके लिए हमें कोई ऐसा जंगल का रक्षक ढूंढना पड़ेगा जो बड़ी ही जिम्मेदारी से इस जंगल की रक्षा करे, जैसे मैंने इतने बरसों से जंगल की रखवाली की है। पर ऐसा कौन है इस जंगल में जिसे हम इस पूरे जंगल की जिम्मेदारी सौंप सके, जो इस जंगल की और हमारी रक्षा कर सके? जंगल के शिकारियों ने एक हिरण को पकड़ा और अपनी गाड़ी में ले जा रहे थे, तभी हिरण की पत्नी जंगल की राजा शेर के पास आती है। राजा जी, मेरे पति को वो शिकारी कैद करके अपनी गाड़ी में ले जा रहे हैं। आप कुछ कीजिए राजा जी। मेरे पति को उनके कब्जे से आजाद करवाइए। जैसे ही शिकारी हिरण को गाड़ी में ले जा रहे थे, तभी अचानक से पेड़ से बंदर मामा आ जाते हैं और शिकारियों पे हमला कर देते हैं और उन्हें भगा देते हैं। हिरण को बचा लेते हैं और फिर जब ये बात सारे जंगल में सबको पता चलती है कि बंदर मामा अकेले ही शिकारियों से भिड़ गए, उन्हें भगाया और हिरण को बचा लिया, ये सुन के सारे खुश हो जाते हैं और जंगल के राजा बंदर मामा को अपनी सभा में बुलाते हैं। सभा में सारे जानवर, पशु, पक्षी होते हैं, जैसे तोता, चिड़िया, हाथी, हिरण, लकड़बग्गा, लोमड़ी, बाघ सारे आते हैं। शाबाश बंदर मामा, मुझे तुम पे गर्व है। आज तुमने मेरी लाज रख ली। अगर आज वो शिकारी हिरण को ले जाते तो शायद मैं जंगल में किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। तुमने बड़ी ही बहादुरी से अकेले हिरण को बचाया है, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम इस जंगल के नए रक्षक हो। बंदर मामा को जंगल का नया रक्षक बना दिया जाता है। इस बात से सारे बहुत ही खुश थे और बंदर मामा की जय जय कार कर रहे थे। बंदर मामा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, बंदर मामा की जय हो। जहां बंदर मामा के रक्षक बनने पे सारे खुश थे, वहीं दूसरी ओर कई लोग दुखी भी थे। चंगू बंदर नहीं चाहता था कि बंदर मामा जंगल के रक्षक बने, वो चाहता था कि वो जंगल का रक्षक बने। हाँ, जिस घड़ी का मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था, उसे ये बंदर मामा एक ही झटके में छीन के ले गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मुझे कुछ करना होगा। पर मालिक, अब आप क्या करेंगे? क्या सोचा है आपने आगे का? सोचा तो मैंने बहुत कुछ है, बस तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। और अगर तू इस काम में मेरी मदद करेगा ना, तो मेरे चमचे, मैं तुझे खूब सारे फल खिलाऊंगा। मालिक, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखें, मुझे अच्छे अच्छे फल खिलाएं। चंगू अपने बंदर को एक पाउडर देता है। वो बंदर जंगल में जिसके पास भी जाता, उसके सामने उस पाउडर को चुटकी भर फेंक देता। उस पाउडर से पहले तो छींक आती और फिर जंगल के जानवर गिर के बेहोश हो जाते। एक के बाद एक जानवर, पशु, पक्षी बीमार हो रहे थे। स्ट्रेचर पे उठा उठा कर ले जाया जा रहा था बेहोश जानवरों को। जैसा मैं चाह रहा था, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब मालिक मुझे खूब सारे फल खाने को देंगे। शाबाश मेरे चमचे, तू ठीक वैसा ही कर रहा है जैसा मैं चाह रहा था। ये ले तेरा इनाम।
खूब सारे फल। धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मजे से सारे फल खाऊंगा। हाँ हाँ छोटे बंदर, खूब मजे से खा, और इसके बाद तुझे एक और काम करना है। और क्या काम करना है मालिक मुझे? आधा काम तो तू कर चुका है, बस अब आधा बचा है, वो भी तुझे पूरा करना है। इस महामारी के बाद तो सभी बंदर मामा पे सवाल उठाएंगे कि उसके रहते ये महामारी कैसे फैली। तुम्हें बस करना इतना है कि जंगल में हर जगह ये बात फैलानी है कि इस महामारी का इलाज सिर्फ चंगू के पास है, और वो ही जंगली जानवरों और पक्षियों को इस महामारी से बचा सकता है। सभी मेरे एहसान के तले दब जाएंगे, और बंदर मामा को रक्षक की गद्दी से हटा के मुझे जंगल का नया रक्षक बना लेंगे। छोटा बंदर ये बात खरगोश के कानों में डाल देता है। क्या हुआ खरगोश भाई, तू इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं भाई, मेरी बीवी बच्चे उस महामारी से जूझ रहे हैं, हॉस्पिटल में हैं, बस उन्हीं को देखने जा रहा हूं, बहुत परेशान हैं। बहुत बीमार हैं वो, और डॉक्टर के पास भी इस बीमारी का कोई हल नहीं निकल रहा। मेरे पास इस महामारी से बचने के लिए एक हल है। क्या तुम सही कह रहे हो? हाँ भाई मैं सही कह रहा हूँ। छोटा बंदर खरगोश को बताता है कि चंगू बंदर के पास कोई जड़ी बूटी है जिससे ये महामारी ठीक हो सकती है, बस एक बार उस जड़ी बूटी की खुराक बीमार को खिलानी पड़ेगी। जंगल के सारे जानवर महामारी को लेकर बहुत परेशान थे और शेर राजा से मदद की गुहार लगा रहे थे। राजा जी, महामारी जंगल में तेजी से फैल रही है और जंगली जानवरों और पक्षियों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तो हमें बहुत नुकसान हो सकता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है हमारे जंगल को, कभी शिकारी जंगल में घुस जाते हैं तो कभी महामारी फैल जाती है। वो कहाँ है जिसको जंगल का नया रक्षक रखा गया था? उसे तो जैसे कोई परवाही नहीं है, उसे रक्षक किस लिए रखा गया है? तुम सही कह रहे हो, जल्दी से बंदर मामा को बुलाया जाए। बंदर मामा को सभा में बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि जल्द से जल्द पता लगाए ये महामारी कैसे फैल रही है। राजा जी आप चिंता ना करें, मैं पता करता हूँ ये बीमारी कैसे फैल रही है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। बंदर मामा वहाँ से चल के पता लगाने की कोशिश करते हैं, तभी खरगोश आके बंदर मामा को बताता है कि इस महामारी का इलाज चंगू बंदर के पास है। खरगोश तुम्हें कैसे पता कि चंगू बंदर के पास इस महामारी का इलाज है? ये बात मुझे उसी के चमचे छोटू बंदर ने आके बताई है। हाँ इसके पीछे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे पता लगाना होगा। बंदर मामा छोटू बंदर के पास जाते हैं। खा ले, जितने फल खाने हैं खा ले, क्योंकि ये फल खाने के बाद तो तू कुछ भी खाने के लायक नहीं रहेगा। क्या मतलब है बंदर मामा? बता जल्दी सच सच, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा मैं आज। इस महामारी के पीछे किसका हाथ है और चंगू बंदर के पास इस महामारी का इलाज कैसे है? छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ और मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। वो चंगू बंदर जंगल का रक्षक बनना चाहता था, जब उसे पता लगा कि आपको जंगल का नया रक्षक बनाया गया है तो उसे बुरा लगा और उसने तरकीब बनाई महामारी फैलाने की, ताकि आपकी बदनामी हो कि आपके रक्षक बनते ही जंगल में महामारी फैल गई। आप सही रक्षक नहीं हो, और साथ में उसने एक जड़ी बूटी भी बनाई जिससे बीमारी ठीक हो जाए और वो सबकी नजरों में महान बन जाए। आपको रक्षक की गद्दी से हटा के उसे नया रक्षक बनाया जाए। उसने मुझे खूब सारे फलों का झांसा दिया है और इस काम में मेरी मदद ली। मुझे माफ कर दो। बंदर मामा चंगू बंदर के पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। आगे आगे चंगू और पीछे पीछे बंदर मामा, थोड़ी देर में उसे पकड़ लेते हैं। चंगू बंदर को बंदर मामा घसीट के सभा में ले जाते हैं। लीजिए राजा साहब, मैंने कहा था ना मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। लीजिए आपका गुनहगार ये है, इसी का सब किया धरा है।
चंगू हाथ जोड़ के माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए, रक्षक बनने की चाह में इतना स्वार्थी हो गया था मैं कि इतना गलत कर बैठा, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारी गलती की माफी नहीं है, तुम्हें इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। अपने स्वार्थ के पीछे तुमने जंगली जानवरों और पक्षियों की जान खतरे में डाली, इसके लिए तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए जंगल छोड़ के जाना होगा। चंगू बंदर और उसके चमचा छोटू बंदर को जंगल छोड़ने की सजा मिलती है। इस तरह से बंदर मामा के रक्षक बनने से सब खुश थे। बेटी बाहर जा रही हो तो छाता लेती जा, बाहर बहुत धूप है, तुम्हारा रंग काला ना पड़ जाए। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम्हारी सुंदरता पे जरा सा भी दाग नहीं लगना चाहिए। क्या माँ बाबा, आप भी अब सहेलियों के साथ घूमने जाना है, कोई छाता लेकर नहीं आया होगा, मैं छाता लेकर निकलूंगी तो अजीब नहीं लगेगा। आप क्यों मेरे रंग रूप की इतनी चिंता करते हो, मैं नहीं काली पड़ने वाली। बेटी तू समझ नहीं रही, कल कोई रिश्ता आएगा तो वो तेरी सुंदरता को देख के ही आएगा ना, सुंदर नहीं होगी तो अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। उफ माँ, आप और आपकी बातें, मैं जा रही हूँ और बिना छाते के। अरे अरे सुन मेनिका, अरे ये मेनिका कब अपनी मनमानी करना छोड़ेगी, देखा आपने मेनिका के बाबा कितनी मनमानी करती है। अरे जाने भी दो, अब धीरे धीरे खुद समझ जाएगी। मेनका एक बहुत ही सुंदर मैना थी, उसके माँ बाप को बस उसकी शादी की चिंता थी कि जैसे हमारी बेटी की शक्ल सूरत है वैसे ही उसे रिश्ता भी मिले। वो एक अमीर और खूबसूरत तोते की चाह में थी। मेनिका के माँ बाप ने उसके लिए रिश्ता देखना भी शुरू कर दिया था, पर उन्हें क्या पता था कि मेनका के मन में तो कुछ और ही था। दरअसल मेनका सहेलियों का बहाना लगा के किसी और से मिलने जाती थी, उसे एक तोते से प्यार हो गया था, वो उससे मिलने जाती थी माँ बाप से झूठ बोल के कि वो सहेलियों से मिलने जा रही है। माँ बाप को इस बात की भनक भी नहीं थी। वो जिस तोते से प्यार करती थी वो बाकियों से बिल्कुल अलग दिखता था, उसका रंग काला था। मेनिका, तुमने आखिर मुझ में ऐसा क्या देखा जो इतनी सुंदर होने के बावजूद भी मुझसे प्यार करती हो, अपने रूप रंग पे तुम्हें जरा भी घमंड नहीं है। मिट्ठू, मैंने तुमसे नहीं तुम्हारी खूबियों से प्यार किया है, शक्ल सूरत में क्या रखा है, मैं तो उसी दिन तुम्हारी हो गई थी जिस दिन जंगल में आग लग गई थी, सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए थे, पर तुम नहीं भागे और तुमने अपनी जान जोखिम में डाल के बूढ़े बुजुर्ग पक्षियों की जान बचाई थी, मैंने सब देखा था, बस तभी से मैं तुमसे प्यार करने लगी और अब तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। जी तो मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर क्या तुम्हारे माँ बाप हमारी शादी के लिए मानेंगे? इसी बात का तो मुझे भी डर है, रोज जब भी तुमसे मिलने आती हूँ तो दोनों जन कहते हैं बेटी छाता लेकर जा वरना काली हो जाएगी, फिर अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, उन्हें बस मेरे लिए खूबसूरत और अमीर तोता चाहिए, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होगा हमारे रिश्ते के लिए। अरे अरे तुम उदास क्यों होती हो, तुम चिंता ना करो, मैं समय आने पर सब देख लूंगा। मेनका और मिट्ठू पेड़ पे बैठे बैठे अभी बात ही कर रहे थे तभी मेनका का पड़ोसी वहां से गुजरा और वो मेनका और मिट्ठू को एक साथ देख लेता है। अरे बाप रे, देखो तो मेनका का बाप अपनी बेटी की सबसे तारीफ करता फिरता है, मेरी मेनका तो बहुत अच्छी है, मेरी मेनका का किसी के साथ कुछ नहीं है, अब मौका मिला है इसके बाप के खिल्ली उड़ाने का। मेनका का पड़ोसी उसके घर पे जाके दोनों के बारे में सब बताने लगता है। अरे भाई साहब, आप तो सभी से अपनी मेनका की तारीफ के पुल बांधते थे, ये क्या आपकी बेटी तो बाहर जाकर गुल खिला रही है। क्या बकवास कर रहे हो तुम, मेरी मेनका के बारे में अनाप शनाप क्या बक रहे हो। अरे भाई साहब, मैंने क्यों गलत बोलना, भला मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलकर, मैं तो जो देख के आया हूँ वही बता रहा हूँ, आपकी बेटी आपसे झूठ बोलकर सहेलियों से मिलने के बहाने जाती है और किसी काले तोते से मिलती है, उसके साथ उसका चल रहा है।
अभी अभी देख के आया हूँ दोनों को एक दूसरे की बाहों में। यकीन ना हो तो आज पूछ लेना मेनका से सच क्या है। चलता हूँ भाई साहब, मैं तो कहता हूँ बेटी जवान हो गई है तो शादी करवा देनी चाहिए, नहीं तो पंख लग जाते हैं बेटियों को और ऊंची उड़ाने भरने में देर नहीं लगाती है फिर। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, नहीं तो अनहोनी हो जाएगी मेरे हाथों से। हाँ हाँ जा रहा हूँ, बेटी का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। पड़ोसी की बात सुनकर दोनों माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं। मेनका के घर आने पे उससे पूछते हैं, बेटी आज तुमने हमारा सिर शर्म से झुका दिया, अगर तुम्हें कोई पसंद था तो हमें बता देती, झूठ बोल बोल के मिलने जाती रही और नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि कोई पड़ोसी तुम्हारे बारे में हमें आके सुनाए और हमें हमारी ही बेटी के बारे में भला बुरा कह के जाए। नहीं माँ बाबा, आप मुझे गलत ना समझिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताने वाली थी। मेनका की माँ इससे कह दो मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, ये यहाँ से अपने कमरे में चली जाए। मेनका समझ गई माँ और बाबा अभी उसकी कोई बात नहीं सुनेंगे। अगले दिन मेनका उन्हें जैसे तैसे समझा लेती है और मिट्टू से मिलने को कहती है। माँ बाबा मिट्टू से मिलने को तैयार हो जाते हैं। मिट्टू आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ऐसे भी क्या बात है भला, और सबसे पहले ये बताओ तुमने आज आने में देर क्यों की। मिट्टू माँ बाबा ने तुम्हें घर पे बुलाया है शादी की बात करने के लिए, और आज इसलिए देर से आई हूँ क्योंकि माँ बाबा को मनाने में टाइम लगा। अरे अगर उन्होंने मेरे रंग को देख के शादी से इनकार कर दिया तो। शुभ शुभ बोलो, अब सब अच्छा अच्छा होगा। शाम को जब मिट्टू से मेनका के माँ बाप मिले तो वो देख के हैरान रह गए। मेनका ये क्या है, इस तोते में तो ना शकल है ना सूरत, क्या पसंद किया है तुमने, ये कहीं से भी तुमसे मेल नहीं खाता, तुम कितनी गोरी और सुंदर हो और ये कितना काला। हाँ बेटी, हम कब से तुम्हारे लिए अच्छा तोता ढूंढ रहे हैं और तुमने पसंद किया भी तो क्या। आप मेरी शक्ल सूरत पे ना जाएं, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, मेरा जितना प्यार आपकी बेटी को कोई नहीं कर सकता। देखो मेनका ये तुम्हारी शादी होने से रही, हमारे समाज में अपनी नाक थोड़ी कटवानी है, तुम्हें मेनका तो क्या कोई भी मैना नहीं मिल सकती तुम्हारे इस रंग की वजह से, या तो तुम अपने ऊपर हरा रंग पुतवा लो तभी तुम्हें कोई शादी के लिए मैना मिलेगी। मेनका के माँ बाबा मिट्टू की बहुत बेइज्जती करके उसे घर से निकाल देते हैं। मेनका माँ बाबा के किए पे बहुत दुखी थी। फिर कुछ दिन बाद मेनका के माँ बाबा उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है और वो जल्द से जल्द उसकी शादी करवा देंगे, वो मिट्टू को भूल जाए। मेनका किसी तरह से मिट्टू से मिलने जाती है और उससे बात करती है। मिट्टू मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, माँ बाबा ने मेरे लिए रिश्ता देखा है, मैं कहीं और शादी नहीं करूँगी, मैंने सोच लिया है मैं आत्महत्या कर लूंगी। किसी और से शादी करने से अच्छा मरना अच्छा है। मेनका ऐसा ना बोलो, मरने से कोई हल नहीं निकलेगा, मैं कुछ सोचता हूँ। क्या सोचा है तुमने। मैं अपने ऊपर हरा रंग पुतवा लेता हूँ, तुम्हारे माँ बाबा को मेरे रंग से दिक्कत है ना, तो मैं अपने ऊपर हरा रंग चढ़ा लूंगा, फिर शादी के बाद पता भी चल जाए तो उसके बाद देख लेंगे। और अगर किसी को पता चल गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम घबराओ मत, मैंने पहले ही सब सोच रखा है, मैंने अपनी पहचान बदल के तुम्हारे घर रिश्ता भिजवा दिया है, जिस रिश्ते की बात तुम मुझसे करने आई हो वो मैंने ही भेजा है, तुम घबराओ मत, शादी होगी तो हम दोनों की ही होगी। मिट्टू ने पहचान बदल के जो रिश्ता भेजा था उसके लिए मेनका के माँ बाप मान जाते हैं। मिट्टू ने अपने पूरे शरीर पे हरा रंग चढ़ा लिया था। देख मेनका कितना अच्छा और खूबसूरत तोता है, हम हमेशा से तुम्हारे लिए ऐसा ही तोता चाहते थे, देखा हमारी पसंद कितनी अच्छी है। कुछ दिनों बाद शादी का मुहूर्त निकला, शादी का मंडप घर के बाहर सजाया गया था। जैसे ही पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू किए कि जोर जोर से बादल गरजने लगे। पंडित जी जरा जल्दी कीजिए, लगता है बहुत जोर से बारिश होने वाली है।
दूसरी तरफ मेनका और मिट्ठू को ये डर सता रहा था कि अगर बारिश हुई तो मिट्ठू ने जो शरीर पर रंग चढ़ाया है वो उतर जाएगा और सारी पोल खुल जाएगी और दोनों की शादी भी नहीं हो पाएगी। मेनका मन ही मन भगवान को याद करती हुई कहती है, हे भगवान, बस हम दोनों पे अपनी कृपा बनाए रखे। जैसे ही दोनों की शादी संपन्न होती है उसी समय बहुत जोर से बारिश होती है और मिट्ठू का हरा रंग उतर के वापस काला हो जाता है। और जब मेनका के बाबा देखते हैं तो धोखा धोखा हुआ है हमारे साथ। ये तो वही काला तोता है, हरा रंग पुतवा के आया था और धोखे से मेरी बेटी से शादी की इसने। नहीं नहीं मानते हम इस शादी को जो धोखे से की हो। चल बेटी तू हमारे साथ। मेनका अब मेरी पत्नी है, हमारी शादी हो चुकी है और वो भी हम दोनों की मर्जी से। नहीं मानते हम इस शादी को, मेनका हमारी बेटी है, हम जैसा कहेंगे वो वैसा ही करेगी। नहीं माँ बाबा, इस बार मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। आप दोनों ने हमेशा अपनी ही चलाई, हमेशा रंग रूप पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उससे बढ़ के अच्छाई भी होती है। आपने कभी मिट्ठू की अच्छाई नहीं देखी, बस उसे बेइज्जत करते रहे उसके रंग को लेकर। अब हमारी शादी हो चुकी है, मिट्ठू मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी, और यही सच है, चाहे आप मानो या ना मानो। अब चलो मिट्ठू अपने घर चलते हैं। यदि आप ऐसी कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।